गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इंग्लिश का वर्क। इंग्लिश के वर्क में आज हम करेंगे माय स्कूल। ठीक है, तो पहले आप स्टार्टिंग में छोटा सा स्कूल आप बना लीजिए। पिक्चर कैसे बनाएंगे, हमने पहले भी बनाई थी। पहले एक स्लीपिंग लाइन लगाइए, ठीक है, फिर एक यहाँ पर बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन लगाइए, ऐसे करके एक इसके स्लीपिंग लाइन और इधर एक ट्राइंगल बना दीजिए। ठीक है, ओके, ऐसे ही एक स्टैंडिंग लाइन इस कोने पर बना लीजिए और इसको भी ऐसे ही डन। इसके बाद इसका बीचों बीच इसमें ऐसे लाइन डालना है और इधर इसका एक डोर बना देना है। ठीक है, फिर इसी के ऊपर थोड़ा सा एक इसका इक्वल में ऐसे बना लेना है, ओके। और यहाँ छोटी छोटी से दो हाउस रूम्स और बना देने हैं। ये क्या है आपका स्कूल, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम क्या है आपका। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूँ तो मैं SPS स्कूल बना दिया मैंने आपका ये। ठीक है, आपने इसमें कलर करना है, ध्यान से बनाना, साफ साफ पहले भी आपने बनाया हुआ है लेसन टू में, ठीक है ना, उसमें से देख देख के भी बना सकते हैं आप लोग। ध्यान से कलर करेंगे और अब हम इसमें क्या लिखेंगे, माई स्कूल लिखेंगे कि आपके स्कूल में क्या क्या है, आपके स्कूल की क्या खासियत है। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे ना, फिर क्या लिखेंगे, माई स्कूल्स। स्कूल्स बोला है मैंने, मतलब अपोस्ट्रोफ एस, मतलब स्कूल का। ठीक है, इस एस का मतलब क्या होता है, संबंध होता है ना, बताया था ना पहले भी, संबंध है क। ठीक है, स्कूल का नेम इज, क्या नेम है आपके स्कूल का, नेम सीवन पब्लिक स्कूल। माई स्कूल्स नेम इज सीवन पब्लिक स्कूल। और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाया कीजिए, आप लोग लगाते नहीं हैं। ओके, हो गया, नेम हो गया। अभी कहाँ पर है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज लोकेटेड, LOCA, लोकेटेड मतलब है, स्थित है, लोकेटेड मतलब स्थित है, लोकेटेड ऑन कौन सी रोड पर है ये, चीका रोड पर। तो सी कैपिटल आएगा चीका का, CHEKA, चीका रोड, इट इज लोकेटेड ऑन चीका रोड। चीका रोड पर है ना आपका स्कूल, ओके। नेक्स्ट लाइन, इसकी बिल्डिंग बड़ी है कि नहीं है, कि छोटी सी है, बड़ी है ना, लिखेंगे इट हैज अ बिग बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग, सॉरी, इट हैज अ बिग बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है ना इसकी। अब इसमें लिखेंगे रूम्स कितने हैं, इट हैज ट्वेंटी रूम्स, इट हैज 20 रूम्स, इसमें 20 कमरे हैं, आपने हिंदी के में भी लिखा था ना। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूं, मैं फिर कह रही हूँ काम साफ साफ करना है आपने। गंदगी जो फैलाते हैं वो बच्चे मुझे समझ में नहीं आते क्यों इतनी गंदगी फैलाते हैं। आगे लिखेंगे नंबर 5, इट हैज अबाउट 700 स्टूडेंट्स, हिंदी में क्या लिखा था, इसमें 700 बच्चे पढ़ते हैं लिखा था ना, तो हम इंग्लिश में भी हम ऐसे लिखेंगे, इट हैज अबाउट 700 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए, चाहिए ना, कि अपने आप पढ़ लोगे, टीचर चाहिए ना, तो हम लिखेंगे इट हैज 30 टीचर्स, इट हैज 30 टीचर्स। और लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप, क्योंकि लाइन कंप्लीट हो गई है, ओके। नंबर 7,
इट हैज अ लाइब्रेरी, है ना अपने स्कूल में कि नहीं है, ऊपर जाके देखा है आप लोगों ने कभी? इट हैज अ लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद आपके स्कूल में जो जो चीजें ना वो सब लिखनी है इसमें, ठीक है। बस आगे इट हैज लगाते जाना और पीछे उसका नाम लिखते जाना, क्या क्या चीज आपने स्कूल में देखी है, ठीक है। अब आपके स्कूल में प्ले ग्राउंड है ना, तो क्या लिखेंगे? इट हैज अ प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ठीक है। और क्या देखा है आपने अपने स्कूल में? लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब देखी है, तो लिखेंगे इधर इट हैज अ कंप्यूटर लैब, इट हैज अ कंप्यूटर लैब, ठीक है। और क्या देखा है? गार्डन देखा है इसका? गार्डन है ना इसमें कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? इट हैज अ गार्डन। और क्या है इसमें? साइंस लैब है, तो लिख देंगे इधर इट हैज अ साइंस लैब, ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखेंगे? आई लव माई स्कूल, आई लव माई स्कूल, ओके। इतना ही है 12 लाइन्स। आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करना है, गंदगी नहीं फैलानी, और जो स्कूल की पिक्चर बनाओगे वो एक भी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ओके। गुड बाय।